फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा ये नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 25-10 प्लानर मशीन को कैसे हम रिफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन में क्या हुआ है मुझे मालूम पता नहीं, मतलब मुझे पहले ये ख़राब दिखा, मतलब उसका कार्बन होल्डर टूट गया है, तो हम उसको पहले रिफ़र करेंगे, उसके बाद चलाने के बाद क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप का पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल में आपको मिलने वाला है और बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। सारा प्रॉब्लम में एक एक वीडियो मिल जाएगा आपको, पावर टूल्स रिलेटेड वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसका सामने वाला जो कवर होता है मटर के ऊपर, तो उसको खोलने के बाद हमको उसका कार्बन होल्डर दिख जाएगा। वहाँ पर हम उसका कॉइल कनेक्टर खोलने के बाद हम उसको खोल लेंगे, जो टूटा हुआ कार्बन होल्डर। तो दोस्तों, ये उसका वाशर जो करंट नहीं लगने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पर नया कार्बन होल्डर डालेंगे। तो दोस्तों, ये स्पेयर आपको अगर ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, नीचे का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या फिर साइड में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम उसको बिठा लेंगे, कार्बन होल्डर को परफेक्टली बिठा लेंगे, और उसके बाद अंदर से हम उसका वाशर देंगे जो सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, करंट नहीं लगने के लिए। तो ये जो रेड वाला वाशर, उसको हम ऐसे लगा लेंगे साइड से, और नेक्स्ट उसके ऊपर हम देंगे उसका कॉइल कनेक्टर। तो दोस्तों, इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए जल्दी। तो ऐसे हम उसको टेस्टर के सहज से तरफ टेस्टर यूज करके हम उसको लगा सकते हैं। यह हो गया, साइड से थोड़ा बैंड है तो हम उसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए मैं आउटर प्लस यूज करूँगा। कैसे उसको घुमा के उसका कनेक्ट, मतलब कम्यूटेटर में आर्मेचर का कम्यूटेटर जो सीधा रहता है उसका घाटी, उस सीधा से हम उसको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम उसमें एक स्क्रू लगता है ऊपर, स्क्रू डालेंगे उसमें, नहीं तो कार्बन रोलर निकल जाएगा। ये टाइट करेंगे, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमको, मतलब बस उसको टाइट करके रखना है, और ये हो गया फिटिंग। नेक्स्ट हम उसमें कार्बन डालेंगे। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, सारे बैकग्राउंड साउंड के लिए हमेशा ध्यान देना दोस्तों, कार्बन सही से घुसना चाहिए, मतलब कोई भी टाइट नहीं होना चाहिए, आराम से आसानी से घूमे घुसेगा और बाहर ही निकलेगा। उसके बाद हम उसका कार्बन कैप देंगे। अभी हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी ये मशीन चालू हो गया, लेकिन साउंड आ रहा है, तो बेरिंग का प्रॉब्लम होगा। तो हम उसको खोलेंगे, स्पेशली खोलेंगे सारा चीज़, क्योंकि हमारा टाइम आपके टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये खोलना आसान, बहुत आसान है, मतलब उसको खोल के निकाल देंगे हम। अभी हमको उसका मटर खोलना है, उसके अंदर जो आर्मेचर या फिर उसका रोटर खोलने के लिए हमको उसमें बहुत, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इधर से बेरिंग जहाँ पर लगता है उधर से हम कोई भी चीज़ लेके उसका जो शाफ्ट होता है वहाँ पर पीटेंगे। अब बेरिंग को मत पीटना, बेरिंग नहीं पीटना है आपको, और उसमें उसके जो होल के अंदर जो शाफ्ट होता है उसको हम पीटना है, यहाँ ये निकल गया है। और ये था एक छोटा सा चीज़, मतलब ट्रिक था, इसके अंदर कितना डस्ट है देखिए आप, मतलब ज़्यादातर ये डस्ट ही ख़राब कर देता है मशीन को। दोस्तों, यहाँ पर उसका जो रोलर है वो, उसका बेरिंग ख़राब है, लेकिन आर्मेचर का बेरिंग ख़राब नहीं है, इसका जो सामने वाला जो बास और सौ बेरिंग लगता है वो ख़राब है। तो हम उसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमको जाना पड़ेगा भाई, इसमें उसको टाइट करके हम उसको खोलना पड़ेगा। तो उसका जो रोटर है उसको टाइट कर लेते हैं भाई में, या फिर मैं पुलर में टाइट कर रहा हूँ। अगर आपके पास भाई है तो आप भाइस में टाइट कर दीजिए, या फिर ये छोटा सा काम है तो पुलर में ही भी हो सकता है।
बस उसको पकड़ के धरना है, नेक्स्ट हम उसको ऐसे खोल लेंगे, उसका रेंज आता है तो उस रेंज से खोल लेंगे, या फिर आप आउटर इनर प्लस यूज कर सकते हो उसको खोलने के लिए। यहाँ से हम उसको काफ़ी ये निकल गया है ऊपर में, लेकिन उसका जो बेयरिंग सेट है इसको कैसे निकलेंगे, उसको निकालने के लिए हमको एक बूस्ट की ज़रूरत होगा। यहाँ पर ये बूस्ट लगाया हूँ मैंने, और बूस्ट लगा के उसको बैठूँगा। अभी जैसे तो ये बूस्ट लगा दिया, नेक्स्ट हम उसको ऊपर एक चीज़ रख के हमको पीटना है, तो ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों उसका बेयरिंग खोलना है। अगर ये आपको बेयरिंग प्लेट चाहिए ये बड़ा वाला, तो नीचे लिंक मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो अमेजन पे। ये बहुत अच्छा बेयरिंग कूलर है, आप यूज़ कर सकते हो उसको, बहुत लोगों ने उसको ख़रीदा भी मेरे लिंक से, और ये अच्छा बहुत बहुत अच्छा कूलर, मतलब आसानी से खुल जाता है कितना भी बड़ा भी बेयरिंग हो, और ये भी बहुत कुछ काम अलग काम भी कर देगा करेगा। और ये बेयरिंग निकल गया, ये दोस्तों 6200 बेयरिंग है, मतलब यहाँ पर प्लानर में 4 बेयरिंग लगता है, तो 6200 बेयरिंग है, ये 6000 बेयरिंग है, और एक 608 बेयरिंग है, 6202 बेयरिंग है जो सामने लगता है, और ये पीछे 608 आर्मेचर में लगता है, ऊपर में लगता है 6200 बेयरिंग, और रोलर के नीचे लगता है 6000 बेयरिंग, ये 4 बेयरिंग है। और उसको हम ये जो आर्मेचर में जो लगता है उसको हम ऐसे खोल लेंगे, फिर उसको हम इसको खोलने के लिए हमको ये भी पुलर चाहिए, मतलब इसको एक मतलब ये पुलर नहीं होगा तो आप उसको नहीं खोल पाएंगे, पिटोगे पिटने से कुछ भी खोल जाता है, लेकिन ये अच्छा तरीका है खोलने का, आसानी से निकल जाता है, उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है। तो अगर आपको इस पुलर को ख़रीदना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। निकल गया, ये मेटल का है इसलिए उसको आप पीटोगे तो टूट जाएगा। तो ये भी 6200 बेयरिंग है, ये भी आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पर 608 ऊपर, यहाँ पर 6200 बेयरिंग, और फुलर में 6000 और 6200, ये एक नया बेयरिंग है। और बेयरिंग ख़रीदना है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा क्वालिटी का बेयरिंग मेरे पास अवेलेबल है, आप यूज़ ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये बहुत हैवी बेयरिंग है, अगर आपका मशीन में ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेयरिंग टूट रहा है तो आप इस बेयरिंग को यूज़ कीजिए, बेयरिंग नहीं टूटेगा, 100% गारंटी है। उसको हम ऐसे पकड़ के नीचे मार के लगा सकते हैं, या फिर ऊपर हम ऐसे थोड़ा धीरे उसको बैठा सकते हैं, तो आसानी से अंदर घुस जाएगा। हमेशा दोस्तों ध्यान देना, ये जो बेयरिंग पकड़ है वहाँ पर हमको बेयरिंग पीटना है, पीटने के बाद हमको इसमें आर्मेचर या फिर रोलर कुछ भी डालना है, ये आसानी से परफेक्टली बैठेगा। अगर आप पहले रोलर में डाल के बिठाओगे तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, तो आप ऐसे उसको बिठा सकते हो। यहाँ पर हम उसको पीट के थोड़ा अंदर घुसाएंगे, ये चला जाएगा अंदर, थोड़ा जाएगा नीचे, और दोस्तों ये था बेयरिंग का फिटिंग। ये बहुत आसान चीज़ है, मतलब जानकारी है तो आप आसान लगेगा, अगर उसमें उसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं है तो बहुत कठिन होगा, उसको खोलने में भी कठिन होगा, लेकिन आप अगर अच्छा से ट्राई करोगी, अच्छा से देखोगी तो सीख जाओगी उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद भी कर सकते हो, मार्केट में चाहिए बेयरिंग खरीदिए, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, बेयरिंग आपको मिल जाएगा आसपास के दुकान में भी, या फिर मेरे पास भी मेरे अवेलेबल है, आप ले सकते हो कुछ भी। तो ये बिट गया, और यहाँ से हम बेयरिंग को पीटेंगे। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, और मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए बहुत सारा अवेलेबल है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो, ये बेयरिंग चेंज करने का एक वीडियो था। तो दोस्तों इतने ही, हम उसको जाते हैं चेक करते हैं मशीन डायरेक्ट, मैं ऑलरेडी उसको फिटिंग कर चुका हूँ तो हम उसको चेक करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।